हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। आज फिर से हम लोग शेक्सपियर के 20 मोर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 20 सॉल्व किए थे और उसके पहले शेक्सपियर की बायोग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चन बना चुकी हूँ। इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दे दूँगी। तो आज फिर से हम 20 क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल अलग है ये भी। और शेक्सपियर के वर्क्स तो हमारे इतना है कि इनके कितने क्वेश्चन कर लो कम है, लेकिन जितने कर लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, और उन क्वेश्चंस की हेल्प से हम बाकी क्या समझें कि और भी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, शेक्सपियर के वर्क को लेकर क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, एक्ट कितने हैं, उसका फॉर्म ऑफ वर्क का क्या है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हर क्वेश्चन में फैक्ट वाइज एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 जनरली शो अ री इन एक्शन ऑफ। तो शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं, नंबर है, टोटल सोनेट्स इनके हैं 154, जिसमें से सोनेट नंबर 1 से लेकर सोनेट नंबर 126 तक वो क्या शो करते हैं, किस बात को लेकर, उसमें किस चीज़ को इन्होंने किसको डेडिकेट किया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैट्रॉन। ठीक है, इनके पर्सनल रिलेशन थे एक यंग रिच और पैट्रॉन जो उनके संरक्षक थे, इनके फ्रेंड भी थे। ओ कौन थे वो, अर्ल ऑफ साउथहैम्प्टन। ठीक है, अर्ल ऑफ साउथहैम्प्टन थे जिनको उन्होंने अपने ये डेडिकेट किया है सोनेट नंबर 1 से 126 तक। और बाकी जो भी बचे हुए इनके सोनेट हैं वो इन्होंने करे हैं डेडिकेट 28 सोनेट डार्क लेडी को। बार बार क्वेश्चन आएंगे तो हमको क्लियर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामास फॉर द मोस्ट पार्टिस। तो शेक्सपियर के ड्रामा की लैंग्वेज ब्लैंक वर्ड्स है, ब्लैंक वर्ड्स है। और एक बात और है कि इनके ड्रामास जो है ना तो पूरी तरह प्रोज में है ना ही पूरी तरह वर्स में लिखे गए, मिक्स है, बीच बीच में कोटेशंस हैं, वर्स वाले श्लोक टाइप वर्स भी बोल दिए गए, एंड फिर लिखने में प्रोज के वे में भी लिखा गया है, नरेट भी की गई है बात ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरियन ड्रामा शेक्सपियरियन सोनेट्स। तो बिल्कुल सरफेस का क्वेश्चन है ये, तो 154 सोनेट है इनके। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये जो सोनेट हैं कितने हैं। ठीक है, और इंटरव्यू हो जहाँ जिस एग्ज़ाम में इंटरव्यू होता है वहाँ, ठीक है, और उसके बाद किस किस को डेडिकेट किए गए हैं, कितने कितने, बार बार ये बनते हैं क्वेश्चन इसके। तो 154 सोनेट्स हैं शेक्सपियर की। तो जब भी सोनेट का नाम आए ये ज़रूर रिकलेक्ट कर लें आप लोग कि कितने किसको डेडिकेट किए गए सोनेट्स, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब 154 तो सबको याद हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, इनमें से कौन सबसे पहले पैदा हुआ। तो इस क्वेश्चन से हमें ये समझना है कि हमें सब के डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ याद करना है, और ऐसे याद करना है जब भी आपके सामने कोई भी आए ड्रामाटिस्ट, पोइट, राइटर, ऑथर, आप उसका एट अ टाइम देख लें, चाहे मोबाइल में, गूगल पे देख लें, बुक्स है तो बुक में, नोट्स में अपने देख लें इनके लाइफ और डेथ, ईजी हो जाता है। तो फर्स्ट इसका आंसर वैसे भी आइडिया लगा लेंगे तो हमारा विलियम शेक्सपियर ही है। ठीक है, ये सबसे पुराने हैं इनमें जिनका जन्म सबसे पहले हुआ होगा। तो बता देती हूँ मैं, इनका जो है लाइफ स्पान है 1564 से लेकर 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी। जॉन मिल्टन हमारे हैं 1608 बर्थ है एंड 1674 इनका डेथ है। गार्ल्सवर्थी पोइट नोवेल लॉरियट है, नोवेल पुरस्कार विजेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो है 1867 में बर्थ है एंड 1933 में मृत्यु है गार्ल्सवर्थी की। एंड लास्ट हमारे वर्ड्सवर्थ हैं 1770 to 1850। ये ऐसे लाइफ स्पान भी याद करते चले, क्रम पूछ सकते हैं इनके, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ। तो थर्ड चाइल्ड थे अपने माता पिता के, ये माता पिता पूछ लिए गए इनके, यहाँ पे बायोग्राफी आ गई इनकी यहाँ पे। जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन इज़ द करेक्ट आंसर। जॉन एंड मैरी इनके माता पिता थे जो कि फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे, दोनों के दोनों प्रॉस्पेरस फार्मर फैमिली से थी इनकी मैरी अर्डन जो मदर थी इनकी, और जॉन शेक्सपियर के फादर भी एक फार्मर ही थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। आज के इस वीडियो में हमको जूलियस सीजर के कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, तो देखिए जूलियस सीजर क्या है इनको ज़रा देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक ट्रेजेडी है। ठीक है, अब ट्रेजेडी है तो किस तरह से, रोमांटिक ट्रेजेडी भी लिखी जा सकती है कि रोमांस है पर एंड में दुख हो गया, उसको नहीं मिल पाया, जैसे कि रोमियो जूलियट है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका पहले मैं आंसर बता दूँ फिर बताएंगे कैसे इसको आंसर हम क्रैक कर रहे थे इसका। द हिस्ट्री एंड ट्रेजेडीज़,
क्यों, अब हमको पता है ये ट्रेजेडी है तो ये वाले तो बिल्कुल नहीं होंगे, इन दोनों में कॉमेडी लिखा है तो ये बिल्कुल नहीं होंगे। देन हिस्ट्री वाला, हाँ हिस्ट्री है लेकिन हिस्ट्री बाकी में नहीं लिखा तो इसी को ले लेंगे हम, क्योंकि जो कैरेक्टर है ना जूलियस सीजर, ये एक रोमन का राजा था, रोमन एम्पायर था, तो ऐसे जो राजा वाले जो कहानी होती है हिस्ट्री हिस्टोरी बेस पे होती है ना, तो ये हिस्ट्री और प्लस ट्रेजेडी है, ठीक है, कॉमेडी तो बिल्कुल नहीं होगा एंड ट्रेजेडी प्लस रोमांस भी नहीं है, यहाँ पे ट्रेजेडी प्लस हिस्ट्री हिस्टोरिकल स्टोरी चलती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज प्रोड्यूस्ड इन, तो सरफेस के क्वेश्चन भी तैयार हो ही रहे हमारे कि शेक्सपियर के वर्क बार बार आंखों के सामने से निकलेंगे, जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस इनका वर्क है, जूलियस सीजर इनका वर्क है, तो कब हुआ था प्रोड्यूस ये शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका करेक्ट आंसर हमारा है डी 1596। अब कल के ही वीडियो में एक डिस्कशन हुआ था कि सन को लेकर ईयर्स बहुत डिस्टर्ब करते हैं, ऑथेंटिक वाले एक एक आगे पीछे हो जाते हैं, कहीं किसी में अगर बुक्स में मिसप्रिंट हो गया या कुछ लिखा होता है एक आध सेल आगे पीछे, तो इस पे ना फिर बच्चों स्टूडेंट्स डिलीट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस और आपको पूरा मार्क्स मिल जाता है उसका, याचिका लगा देते हैं ना इस तरह से। तो फिर भी गूगल को देखते हुए और हमारे पास जो कंटेंट होता है बुक्स में सब जगह से देखते हुए ही सही आंसर लगाते हैं, तो 1596 इसका करेक्ट आंसर है। मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है, एक कॉमेडी है, ये तो हमें हर चीज़ में देखना है इसका फॉर्म क्या है, इनके जो वर्क्स हैं ट्रेजेडी और कॉमेडी में, और ट्रेजेडी टू कॉमेडी में डिवाइड होते हैं, तो कॉमेडी है ये इनका मर्चेंट ऑफ वेनिस, और 1596 का आ रहा है ये, प्रोड्यूस हुआ था लेकिन लिखा गया था, फर्स्ट परफॉर्मेंस की बात चले, फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था इस इनके वर्क का 1605 में। जैसे कि मैंने बताया शेक्सपियर जो प्ले लिखते थे, ड्रामा लिखते थे, तो स्टेज पे परफॉर्मेंस होते थे, पब्लिश बाद में हुए थे, उस समय यही चलता था, मनोरंजन के साधन यही थे, ड्रामास वगैरह लोग देखने जाते थे इस वे में। एंड व्हाट इज़ द ईयर ऑफ डेथ ऑफ शेक्सपियर, मृत्यु कब हुई इनकी, 1616। कितना सरफेस का क्वेश्चन है तो ये भी आ जाए, क्योंकि उसमें बात थोड़ी ना है डेथ ऑफ शेक्सपियर, क्योंकि ये 16 वाले कंफ्यूज करते हैं, ये तो सबको पता होता है ना आगे का 16, अब पीछे का भी 16 है, ये भी याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वन ऑफ द बेस्ट प्लेज द टेम्पेस्ट इज द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, चलिए इनका जो बहुत अच्छा प्ले है टेम्पेस्ट है, तो उसके बारे में मुझे आपको ये बताना है। इसका क्वेश्चन ये है, इन्होंने किस घटना से इंस्पायर होकर लिखा था ये प्ले शेक्सपियर ने, ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट इट बाय विच इंसिडेंट, तो करेक्ट आंसर इज सी, रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड। तो ये मैं बता दूं, पहले तो टेम्पेस्ट की कहानी इन्होंने ऐसे लिया था कि 1609 के समय की बात थी, इनकी लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ था कि ये जो शिप था, एक शिप खो गया था और एक साल बाद क्या होता है, और सब कोई भी नहीं मिला था, जो भी उस शिप में सवार या थे लोग थे नहीं मिले थे, न शिप मिली थी, लेकिन एक साल बाद उस सेलर वापस आ जाता है जो कि खो गए थे सब लोग, तो ये इन्होंने इसके इंस्पायर होकर ये कहानी लिखी थी द टेम्पेस्ट की। और टेम्पेस्ट एक ट्रेजिक कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है स्टूडेंट्स, एंड ये एक हमारा शेक्सपियर का वर्क है। इसके बारे में एक पॉइंट और था हमारा कि पब्लिश कब हुआ था ये, तो पब्लिशिंग ईयर को मैं इसीलिए थोड़ा अवॉइड कर रही थी कि फिर कैसे हम इसका निकालेंगे आंसर्स, क्योंकि अगर बच्चों के उसमें रहता है ना अलग अलग है। अच्छा, ट्रेजी कॉमेडी है, हैप्पी एंडिंग होती है इसमें, इस तरह के फॉर्म्स में 1610 और 1611 के बीच ये आया था हमारा। इसकी जो मेन हमारी हीरोइन है टेम्पेस्ट की, मिरांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट, अब रिकलेक्ट करो इन्हें, याद करो इस कहानी को, एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फर्स्ट एक्ट, और इस जो ये जो कोटेशन लिखी है, जो डायलॉग लिखा है, इसका मीनिंग बताओ। तो वैसे भी समझ सकते हैं हम लोग रोमियो जूलियट की कहानी क्या थी, कि दो दुश्मन, दो परिवार, दुश्मन परिवारों के थे वो दोनों आपस में, और उनको लव हो जाता है, शादी हो नहीं पाती, एंड में मृत्यु हो जाती है, तो रोमांटिक ट्रेजेडी, इसको इस तरह के वर्क को रोमांटिक ट्रेजेडी कहते हैं, रोमांस है पर ट्रेजेडी हुई है उसमें, घटना दुखद घटना एंड उसका हुआ था, मिल नहीं पाए लाइक, और इस तरह की जो मूवी बनती है जिसमें हीरो हीरोइन नहीं मिल पाते ना एंड में मर जाते हैं, वो इसी से प्रेरित होते हैं, रोमियो जूलियट की एक स्टोरी से, उसको ऐसी टर्म दिया जाता है। तो चलो इसको पहले कोटेशन देख लेते हैं, क्या माई लाइफ इज़ माई फर्स्ट एक्ट, कि जो मेरी लाइफ है, ये जो रोमियो, ऑब्वियसली रोमियो ही कह रहे हो कि मेरी जो लाइफ है मेरे दुश्मनों का उधार, मतलब मेरे दुश्मनों की तरफ से है वो,
तो ये वो क्यों बोल रहे थे? दैट ही लव्ड जूलियट हु वॉज द डॉटर ऑफ एन एनमी ऑफ हिज फैमिली, कि वो जूलियट को इतना प्यार करता है और जो कि उसके दुश्मन परिवार की बेटी है. ठीक है, रोमियो जूलियट ट्रेजिक रोमांस है, ट्रेजिडी, रोमांटिक ट्रेजिडी है ये. और चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट अवर स्टार्स बट इन अवर सेल्फ दैट वी आर अंडर लिंक्स. ये जो रिमार्क्स है कैशियस ने दिया था. पहले बता दूं मैं आपको, ये जूलियस सीजर का क्वेश्चन है. जूलियस एंड सीजर हमारे शेक्सपियर का जो वर्क है, ट्रेजेडी वर्क है, हिस्ट्री हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है, बताया था ना, तो उसकी ये लाइन है. और ये जो कैशियस ने बोली थी, कैरेक्टर्स भी देखते चलो आप, ब्रूटस, कैशियस, ये हमारे जूलियस सीजर के कैरेक्टर हैं. और अब जिन्होंने ये स्टोरी समरी नहीं पढ़ी है तो उनको प्रॉब्लम आएगी. तो एक बार आज के इस जस्ट वीडियो के बाद आप लोग इतना भी कर सकते हो, जूलियस एंड सीजर की समरी देख सकते हो. एंड देन अब आप दोबारा जब रिवीजन करोगे इस वीडियो को देखकर इस क्वेश्चन आंसर का, तो आपको इजीली समझ में आएगा. तो कैशियस ने ये रिमार्क करा था ब्रूटस को, क्यों बोला था? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, ही वॉज जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर एंड वॉन्टेड टू इंसाइड ब्रूटस अगेंस्ट सीजर. देखो मैं आपको बता दूँ कि जूलियस सीजर होते हैं मेन कैरेक्टर इस स्टोरी के, जिसमें से कैशियस होता है एक विलन और ब्रूटस जूलियस सीजर का अच्छा दोस्त होता है. तो ये कैशियस इसको ब्रूटस को भड़काता है, ठीक है, उसके दोस्त के प्रति, और ये फिर ब्रूटस इसके साथ आ भी जाता है. यही कहानी चलती है, इसमें कंस्पायरेसी षड्यंत्र चलता है. तो ही वॉज जेलस ऑफ, तो ये बता रहे ना क्यों ऐसा बोलता है, कि इसलिए कि वो जेलस था सीजर के बढ़ते हुए पावर से और ब्रूटस को अपने तरफ करना चाहता था, सीजर के खिलाफ भड़काना चाहता था कैशियस. तो ऐसे एक बार समरी पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा. और ऐसे कोटेशंस है तो समझ जाओ, ये ब्रूटस वगैरह से नाम आ रहा तो जूलियस सीजर के ही कोटेशंस है. शेक्सपियर वाज बॉर्न इन, ये बॉर्न और डेथ के क्वेश्चन सरफेस के आ गए. 1564 1564 में जन्म हुआ था इनका, 1616 में मृत्यु हुई थी. कोवार्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, ये आपने बहुत पढ़ी होगी कोटेशंस, कहीं ना कहीं लिखी रहती है कि जो कायर व्यक्ति होता है अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरता है. तो ये देखिए हमारे शेक्सपियर की लाइन है ये, और ये बोली गई थी जूलियस सीजर में. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो कहाँ है ये? जूलियस सीजर में है ये लाइन, और जूलियस सीजर के द्वारा ही बोली गई थी. ठीक है, प्ले का नाम भी जूलियस सीजर है और उसमें इनके ही कैरेक्टर ने ये लाइन बोली थी, कवर्स डाई मैनी टाइम्स. जूलियस सीजर के एक्ट टू में बोली गई थी ये लाइन. एक्ट भी होते हैं इनके प्लेस में, कितने एक्ट है, वन एक्ट, टू एक्ट, एक्ट टू में ये लाइन बोली गई थी. मेन हमें याद रखना है इस कोटेशंस को, और ये शेक्सपियर की कोटेशन है, और शेक्सपियर के किस वर्क में है? तो जूलियस सीजर में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, और देख लीजिए बाकी ये जो ऊपर नीचे वर्क लिखे हैं, टेम्पेस्ट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओथेलो, ये भी शेक्सपियर के ही वर्क हैं. ठीक है, एंड जिसमें से ओथेलो ट्रेजेडी है, मर्चेंट ऑफ वेनिस कॉमेडी है, टेम्पेस्ट भी कॉमेडी में आ जाता है, ट्रेजिक कॉमेडी में. हु स्टेट्स, अब कोटेशंस आ गई शेक्सपियर के बारे में भी बोली गई हैं अच्छी अच्छी बातें. इतने महान थे तो बहुत प्यारे प्यारे इनको उपनाम भी दिए गए, बहुत अच्छे से इनकी प्रशंसा की गई. तो ये जो लाइन है, ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, ये इम्पॉर्टेंट है. तो ये जो कोटेशंस है कि इन्होंने इंग्लिश को एक डायलेक्ट के रूप में पाया था, एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में पाया था और उसको एक लैंग्वेज बना के छोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है. शेक्सपियर के बारे में बोली गई है और ये बोली है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकबेथ सीधा घोस्ट ऑफ, तो मैकबेथ का क्वेश्चन आ गया. मैकबेथ जो कि शेक्सपियर का ट्रेजेडी वर्क है, और मैकबेथ जो इसमें मेन कैरेक्टर का नाम भी मैकबेथ ही, हीरो जो हमारे हैं, प्रोटोगोनिस्ट जिसे हम कहते हैं, हर वर्क के प्रोटोगोनिस्ट पे भी ध्यान देना है. प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं नायक, हीरो वर्क, हीरो वर्ड अलग हो जाता है, हमको प्रोटोगोनिस्ट वर्ड देखना है क्योंकि नायक कौन है उसका, विलन भी हो सकता है क्योंकि वो, इसीलिए बोल रहे हैं. ठीक है, तो मैकबेथ विलन ही तो होता है, प्रोटोगोनिस्ट मेन प्रोटोगोनिस्ट होता है. उसने किसका भूत देखा? तो बैंको इज़ द करेक्ट आंसर. होता ही है कि ये बैंको का मर्डर कर देता है, फिर इसको उसका भूत दिखाई देता है. ठीक है, स्टोरी देखेंगे आगे इसकी बाद में. हु स्टेट, फिर से शेक्सपियर के बारे में आ गई लाइन्स की, ये बोली थी बेन जॉनसन ने, सोल ऑफ द एज, द अप्लॉज, द डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज, ये लाइन, ये कोटेशंस हमारे शेक्सपियर के बारे में बोली गई है बेन जॉनसन के द्वारा. ठीक है, ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाउंड डायलेक्ट वाली और ये वाली, कि सोल ऑफ द एज, डिलाइट, वंडर ऑफ अवर स्टेज, ये सब इनको इतनी तारीफ वाले वर्ड्स बेन जॉनसन के द्वारा बोले गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इट.
तो ये लाइंस को देखकर एक बार घबराना नहीं है, बस जूलियस सीजर लिखा है तो समझ जाओ जूलियस सीजर की कहानी की से ये लाइन ली गई है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट, कि निचोड़ क्या है इस स्टेटमेंट का, क्यों क्या बोला क्या जा रहा है इसमें। तो चलो एक बार लाइन पढ़ लेते हैं। ओ जूलियस सीजर, दो इसको ये होता है यू होता है, ये ऐसे लिखते थे पहले, यू आर माइट येट दाई स्पिरिट वॉक्स एब्रॉड एंड टर्न्स अवर स्वॉर्ड्स इन अवर प्रॉपर एक्सटर्नल। जूलियस सीजर की हत्या कर दी जाती है तो उसकी स्पिरिट देखी जाती है, बस उसी पे बोल रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है, इसका निचोड़ ये है कि सीजर जो है, सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद भी वो है कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व। तो सीजर की मृत्यु के बाद उसकी स्पिरिट दिख रही है, तो सीजर वॉज माइटी आफ्टर हिज डेथ। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा बनेगा, हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। अगेन हीरोइन पूछ ली हमारी टेम्पेस्ट की, तो वो है हमारी मिरांडा। प्रोस्पेरो इनके फादर का नेम है और टेम्पेस्ट वर्क है शेक्सपियर का, और इसकी मेन करेक्टर है मिरांडा प्रोस्पेरो एंड ऑल। द लाइन दिस इज द नोवलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेट बाय, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देख लेंगे इस बार एक बार। ये एंटोनियो ने ये लाइन बोली थी ब्रूटस के लिए, बोली थी शेक्सपियर के रोमियो जूलियस सीजर से ये लाइन ली गई है, दिस इज़ द नोवलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। क्यों, कि ब्रूटस जब मर जाता है लास्ट में तो रोमन की कहानी दिखाई गई है, सबसे अच्छा रोम के लोग हैं तो रोमन कहलाएंगे, तो ये सबसे अच्छा रोमन था, नोवलेस्ट था, क्योंकि माना कि इसने सीजर के खिलाफ भड़क गया था, ये अपने दोस्त के खिलाफ इसने करा था विद्रोह या गद्दारी कर दी थी, लेकिन इसने भला सोचा था रोम के लोगों का, ना कि अपने पर्सनल भलाई के लिए इसने किया था, पर्सनल स्वार्थ के लिए किया था। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो एंटोनियो जो कि इसमें एक पॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं, सीजर के साथी होते हैं, यही थे जो सीजर को राजा बनाना चाहते थे, तो ये बोलते हैं इसके बारे में, ब्रूटस के बारे में, कि वो सबसे अच्छा नोबलेस्ट रोमन था। हर्मिया इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर, हर्मिया जो कैरेक्टर है शेक्सपियर के किस वर्क में है, तो द करेक्ट आंसर इज मिडसमर नाइट ड्रीम। मिडसमर नाइट ड्रीम इज ऑल्सो द वर्क ऑफ शेक्सपियर, ये कॉमेडी वर्क है, रोमियो जूलियट है हमारा इनका, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ये सब शेक्सपियर के वर्क्स हैं। नोट्स बनाते चलोगे बहुत अच्छा रहेगा आप ही के लिए, हर क्वेश्चन से नोट्स बन सकते हैं आपके, पॉइंट बना के रखिए, एग्जाम के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, क्या क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें रिवाइज करने के लिए। तो ठीक है, हर्मिया कैरेक्टर हमारा मिडसमर नाइट ड्रीम का, और मिडसमर नाइट ड्रीम जो है 1595 और 96 के समय लिखी गई थी, रिटन, और फर्स्ट परफॉर्मेंस इसका हुआ था 1605 के टाइम। ठीक है, कॉमेडी वर्क है ये इनका। आज के इस लेसन में हमने पढ़ लिए 20 क्वेश्चन, एनालिसिस करें शेक्सपियर के, ऐसे ही आगे मिल्टन के, गाल्सवर्दी के हम वर्क देखेंगे, और कमेंट सेक्शन में फिर जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अपने एग्ज़ाम का नाम लिख के कि क्या ये इस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ये तो वही बात होगी कि एक ही चीज़ को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम होते हैं, शेक्सपियर हैं वो, आप सोचो शेक्सपियर है, इनको पढ़ना ज़रूरी है, आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आप ऐसा कैसे पूछ सकते हो कि शेक्सपियर हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ये। थैंक यू स्टूडेंट्स, और कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जिनको ज़रूरत है इन वीडियोज़ की, जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके सर्कल में यूपी और उत्तराखंड और केंद्रीय विद्यालय नवोदय, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं TGT PGT की, इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं, सब तक ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।